प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। वो दोस्त जिनके चेहरे पे स्कार्स हैं या फिर जिन लोगों को मेकअप करना अच्छा लगता है। आपको पता है कि मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स हैं जो कि धीरे धीरे अच्छे हो रहे थे, पर पिछले कुछ समय में मैंने सन में इतना ज़्यादा समय स्पेंड किया कि वो दोबारा से डार्क हो गए हैं। यू नो, आपके 2-3 महीने का स्किन केयर 5 मिनट सन में रहने से डैमेज हो सकता है। हमेशा सनस्क्रीन पहन के रखें एंड अपने चेहरे पर छतरी रखें या बड़ी सी टोपी पहन के रखें। पर चिंता ना करें, अगर आपके चेहरे पर स्कार्स हैं मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे हाइड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर से हेल्प करेगा। बहुत ही आसान एंड बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ हम हमारे चेहरे के स्कार्स को हाइड करेंगे। तो ये जो मेकअप है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप मेक श्योर करें कि आप अच्छा सा स्किन केयर रजीम फॉलो करें जिसमें आपके स्कार्स के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। सनस्क्रीन लगाएं, वो जो है वो सॉलिड प्लान है, ये टेम्परेरी प्लान है। बट इस टेम्परेरी प्लान के साथ आप अपने स्कार्स को हाइड कर सकते हैं किसी इवेंट के लिए, या अगर आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है स्कार्स की वजह से, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि किसको अच्छा लगता है कि उसके चेहरे पर दाग हो। पर अगर हैं तो क्या करें, या जीना तो है हमें ये साथ। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे हाइड करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ और बहुत प्यार से बनाती हूँ। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करें। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, मेरे दोस्त बन सकते हैं, एंड अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है वो भी कमेंट बार में छोड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे ना तो बेल भी क्लिक कर लेना ताकि जब भी नई वीडियो आए बेल बज जाए। घंटी बजना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, घंटी नहीं बजेगी तो पता नहीं चलेगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू जल्दी से वीडियो के साथ शुरू करते हैं। लाइक ज़रूर कर देना, चंगा बाय। ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्म दिन है और पंखा मैं चला नहीं सकती हूँ क्योंकि पंखे की आवाज़ मेरी आवाज़ को ख़राब करती है। तो शुरुआत करेंगे सनस्क्रीन लगाने से। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों अगर आपके चेहरे पर स्कार्स हैं। मेरे स्कार्स काफ़ी लाइट हो चुके थे पर वो दोबारा से जीवित हो रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा समय धूप में स्पेंड किया है। और सनस्क्रीन मैं लगा के जाती हूँ, पर सनस्क्रीन का क्या है कि हर 3-4 घंटे के बाद लगाएं, भूल जाती हूँ मैं एंड देन फिर हो जाता है कमाल। मुझे ये दो सनस्क्रीन बहुत अच्छे लगते हैं। ये दोनों ही सेम ब्रांड के हैं फिलहाल मेरे हाथ। ये है अनसीन सुपर गुप का अनसीन सनस्क्रीन जो कि मेकअप के नीचे बहुत अच्छा है, एंड दूसरा है ये रेगुलर सुपर गुप का एवरीडे सनस्क्रीन लोशन SPF 50। लोशन लगा लेते हैं आज। सनस्क्रीन आपका नंबर 1 स्किन केयर प्रोडक्ट है। अगर आप अकेला सनस्क्रीन भी लगाते हो ना तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, आपकी स्किन। प्लीज़ सनस्क्रीन को निग्लेक्ट मत करें। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर धूप है या बाहर छाँव है, बाहर बारिश हो रही है, यूवी रेजेज हैं, वो पवे कुछ भी हो वो आपको इफ़ेक्ट करती ही हैं। अगर आप लंबे समय तक जवान दिखना चाहते हैं, झुर्रियों से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगाएं। आज मैं बहुत लंबे समय के बाद मेकअप वीडियो बना रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। मेकअप वीडियोस ना मेरे दिल की खुराक हैं, हैप्पीनेस फील होती है मुझे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा करंटली रूटीन क्या है। ये हो गया मेरा सनस्क्रीन, अब मैं इसको थोड़ा सा सेट होने देती हूँ। अब ये जो सनस्क्रीन है प्राइमर का भी काम करता है, आप अलग से प्राइमर भी लगा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है ऐसा कोई सनस्क्रीन ले जो कि प्राइमर का भी काम करे और आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करे। अगला स्टेप है मैं ये फाउंडेशन लगाऊंगी, ये है नार्स का नेचुरल रेडियंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, और जो शेड मैं यूज करती हूँ वो है सायराक्यूज मीडियम डार्क 1। ये मेरे स्किन पे काफ़ी अच्छा मैच है, इसे लगाऊंगी मैं सबसे पहले। इस कंसीलर वंसीलर बाद में लगाएंगे क्योंकि यही बहुत अच्छी कवरेज दे देगा। मैं ना ऐसे पंप से अपने प्रॉब्लम वाले एरिया पे लगाती हूँ, नन्हे नन्हे दो, लिटिल बिट चिन, लिटिल बिट नोज, लिटिल बिट फोरहेड। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के लिए हम यूज करेंगे बहुत ही मजेदार क्यूट फ्लैट टॉप ब्रश, एंड मस्ट हैव ब्रशेस की वीडियो भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है मेरे चैनल पे, वो जल्दी ही आएगी गाइस, थोड़ी सी वेट कर लो, इसी हफ्ते अपलोड करूंगी वो भी मैं। ऐसा कुछ ब्रश चाहिए। इसके साथ हम डबिंग मोशन में कंसीलर को ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि डबिंग मोशन में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कवरेज आती है और मेरा हिसाब बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे चेहरे पे स्कार्स हैं और जब डबिंग से मैं करती हूँ ना तो एक ही दम सारे छुप जाते हैं एंड सारे दोस्त पूछते हैं कि कैसे कर लिया तुमने। सो यस, वी कैन डू दैट। एंड जब तक मैं डबिंग करती हूँ पंखा चला लेती हूँ गाइस, अब बाल उड़ेंगे पर चाहिए कुछ तो कुछ चाहिए सपोर्ट।
आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक ही बार में ब्लेंड करने से मेरे दोनों साइड का डिफरेंस कितना ज़्यादा है, एक ही बार में कितनी कवरेज आ चुकी है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ब्लेंड करेंगे। ये इस फाउंडेशन का कमाल तो है ही, पर ये इस टेक्निक का भी कमाल है और ये इस ब्रश का भी कमाल है। तो इसी किस्म का ब्रश यूज़ करें ब्लेंड करने के लिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले। सो फाउंडेशन का एक एप्लीकेशन हो चुका है। अब आप अगर बिल्ड करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं, एक बार और से लेयर लगाएं एंड ब्लेंड कर लें। पर हम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा चिक चैक नहीं चाहिए मेरे चेहरे पे। इस पॉइंट पे आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने चेहरे को अगर आप स्पेशल ओकेजन पर जा रहे हैं, पर ये मेकअप अगर आपकी एवरी डे काइंड का है तो मत करें क्योंकि अन्य आपको चमक धमक की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यूज़ करती हूँ टार्ट कार शेप टेप कंसीलर। जो शेड मैं यूज़ करूँगी वो है लाइट। ये जो कंसीलर है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये हमारे चेहरे को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए है। पर अगर आपको लगता है कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया पर अब भी आपके स्कार्स कहीं से दिख रहे हैं, तो कोई भी कंसीलर जो आपके चेहरे की स्किन के साथ मैच करता है उसे स्पॉट ट्रीटमेंट कर लें। आपको मैं करके बताती हूँ। मैं यूज़ करूँगी ये लॉरियल का ट्रू मैच कंसीलर। ये है लाइट टू मीडियम, 4.5 है इसका नंबर। इससे मैं एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है नहीं पर मैं आपको दिखाने के लिए करना चाहती हूँ कि आप ऐसे स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी फाउंडेशन की लेयर्स ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा होंगी तो केकी लगेगा। अब आप इस चीज़ को ब्लेंड करने के लिए छोटू सा ब्रश यूज़ करें या फिर जो सेम आपने किया उसी से डैपिंग मोशन में करें ताकि प्रोडक्ट इधर उधर नहीं जाए पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो हाइड हो जाए। सो इस तरह स्पॉट ट्रीटमेंट कर लें। अब हाईलाइट करना है अपने चेहरे को तो कोई सा भी थोड़ा लाइट किस्म का कंसीलर यूज़ करेंगे आपके चेहरे को हाईलाइट करने के लिए। ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए है। सो शेप टेप को लेके मैं थोड़ा सा इस एरिया में थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा लिफ्टेड लगे क्योंकि एज हो रही है दोस्तों, धीरे 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 तो नहीं हो रही, बहुत तेज़ी से हो रही है। सो हमें हमारे फेस को थोड़ा लिफ्ट तो करना पड़ेगा। चिंग 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 एंड चिंग, डन। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। इस काम के लिए भी मैं फ्लैट ही किस्म का ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्यारी कवरेज देता है। चेहरा हमारा हाईलाइट हो चुका है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि एक कुछ ऐसा लग रहा है, राइट। अब इसे शेप देंगे। कोई सा भी ब्राउन्जर यूज़ करें, कोई सा भी डार्क फेस पाउडर यूज़ करें। मैं यूज़ कर रही हूँ ओफ्रा का ब्राउन्जर, इसमें कोई भी शाइन नहीं है, मैट है। सो मैट पाउडर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फेस को शेप देंगे थोड़ी। इस प्रोडक्ट को हम इस तरह के क्यूट से ब्रश पे लेंगे, छोटू सा है ये, और हमारे फेस को कॉन्टोर करेंगे एंड थोड़ी सी शेडो क्रिएट करेंगे चेहरे पे। सो हम हमारी चिक बोन्स पे, हेयर लाइन पे, चिन पे लगाएंगे ताकि ये जो डबल चिन है छुप जाए। डबल चिन हमारा पीछा छोड़ती नहीं है दोस्तों, जितना मर्जी उसको छुपा लो। हेयर लाइन पे इसलिए ताकि जो हमारा फेस मेकअप है ना वो नेचुरल से लगे, ऐसे अजीब नहीं लगे कि हेयर लाइन भी चिट्टी हो जाए। वैसे तो चिट्टा आप फाउंडेशन यूज़ करो ही ना, जो आपकी गर्दन का रंग है वैसा ही करो। सो इसी तरह इस तरफ क्रिएट करेंगे नोज पे। जिस ब्रश के साथ हमने फाउंडेशन लगाया था उसे लेके हमारे ये ब्राउन्जर को थोड़ा सा लाइट करेंगे या ब्लेंड इन करेंगे कि अजीब नहीं लगे, क्योंकि हमें अजीब नहीं लगाना है दोस्तों। हमारा अगला स्टेप होने वाला है ब्लश। मैं ब्लश इसलिए पहले लगा देती हूँ पाउडर के, ताकि वो फिर बाद में सेटल हो जाए। सो ये एल्फ का प्यारा सा ब्लश यूज़ करेंगे, इसका नाम है ऑलवेज रोजी। सो इसे हम लेंगे इस प्यारे से एंगल ब्रश पे, इसे हम हमारी चिक्स पे लगा लेंगे स्माइल करते हुए।
इसके साथ हम लगेंगे जवान एंड जहान। ज्यादा हो गया है तो फाउंडेशन ब्रश के साथ इसे सेटल कर देंगे। अब मैं मेरे मेकअप को सेट करूंगी। इस पॉइंट पे मैं सेट इसलिए करती हूँ ताकि अगर मेरा ब्राउजर ज्यादा है या फिर ब्लश ज्यादा है वो सेट हो जाएगा। आजकल मुझे सफोरा का मैट परफेक्शन पाउडर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक थोड़ी कवरेज दे देता है। जो स्कार्स अभी भी थोड़ा देख रहे हैं नीचे से वो हाइड हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह। एंड इसकी जो फिनिश है बहुत ही मज़ेदार साटनी फिनिश है, मुझे बहुत मैट एंड बहुत ही ज़्यादा शिमरी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ऑयली है। सो ये वाला मैं शेड यूज़ करूँगी। इसके मुझे लगता है मैंने 2-3 डब्बे ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं और ओके, ये भी फिनिश ही है पर मैंने कल एक नया ख़रीदा है सो हम नया यूज़ करेंगे। सो जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 26 नेचुरल सैंड। फ्लैट ब्रश पे लेंगे, थोड़ी ओके काइंड के अमाउंट, ज़्यादा नहीं लेंगे और यहाँ से लगाना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ही मेरी प्रॉब्लम एरिया है। सो धीरे धीरे जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसे हर तरफ लगा देंगे, चिन पे, अपर लिप्स पे, नोज़ पे कर देंगे, फोरहेड को भी सेट करना ज़रूरी है आईज़ की तरफ एंड दोनों तरफ। सो इस तरह हमारा मेकअप सेट हो चुका है। अगर इस पॉइंट पे आपको लगता है कि आपका ब्लश थोड़ा और करने की ज़रूरत है तो ज़रूर से कर लें। ब्राउन्जर अगर और करना चाहते हैं तो ज़रूर से करें। लाइक मेरा ब्राउन्जर सारा हाइड हो गया है। सो इस तरह हमारा फेस मेकअप रेडी है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, स्प्रे करेंगे हम हमारे फेस पे एंड ऑफ द मेकअप, जब हमारा आई मेकअप हो जाएगा, आईब्रोज हो जाएंगे, लिप्स हो जाएंगे। उसके लिए मुझे ये मेबलिन की लास्टिंग फिक्स बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं मैट फिनिश वाला यूज़ करती हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयली स्किन वाला लाइक लुमिनस फिनिश वाला यूज़ कर सकते हैं। इसके 2-4 पंप करें, पखा चल लें, आपका मेकअप हिलेगा नहीं 10-15 घंटे तक, 24 घंटे तक हिले, तब तक नहीं हिलेगा जब तक आप हिलाना नहीं चाहते हैं, मतलब रिमूव करना चाहते हैं। तो ये जो पाउडर है इसको साथ में रख सकते हैं, अगर आपको फिनिशिंग चाहिए बार बार तो दोबारा से कर सकते हैं। और अब मेरा फेस मेकअप रेडी है। मैं आई मेकअप करने के बाद वापस आती हूँ। मैं इस वीडियो में आई मेकअप इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत सारे दोस्तों को आई मेकअप ऑलरेडी आता है पर ये नहीं पता चलता है कि स्कार कैसे छुपाएं। अब आपको पता चल गया कि स्कार कैसे छुपाएं तो स्कार छुपाएं एंड दैट्स इट। पर ये आई मेकअप की मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सो आई विल बी बैक विद आई मेकअप। ऑल राइट प्यारे दोस्तों, तो इसी तरह अंत होता है इस वीडियो का। ऐसे लग रहा है मेरा मेकअप, मैं वापस आ चुकी हूँ आई मेकअप करने के बाद और इस आई मेकअप की लुक भी मैंने शूट की है। चिंता नहीं करें, आपको ये मिल जाएगी, आज नहीं तो कल आई जाएगी। एंड मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को गाइस, इन प्यार से वीडियो बनाती हूँ, सब्सक्राइब कर लो ओके। एंड मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, बिल्कुल मत भूलें। यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी, confident and strong. We guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy, lemon squeezy. I love you guys so very much. Bye.